हेलो गाइस, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि पीएचडी एंट्रेंस का जो है एडमिट कार्ड आप लोग को दे दिया गया है। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो पीएचडी का एडमिशन होने वाला है, तो उससे पहले जो है एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो है एडमिट कार्ड जो है आपको दे दिया गया। तो कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, bnmuumis.in, ठीक है। यहाँ पर आ जाना, उसके बाद आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आके आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो आपने जो अप्लाई करवाया होगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूर मिला होगा, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके जो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जो है आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा तीसरे में एडमिट कार्ड, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म या पेमेंट रिसिप्ट भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एडमिट कार्ड जब हो जाएगा, रिजल्ट जब आपका आ जाएगा एग्जाम होने के बाद, तो आपको जो है मार्कशीट जो है आपको यहीं से फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपके लॉगिन से ही आपको मार्कशीट डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसको जो है आप प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपका जो है नाम, माता पिता का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और जो है आपको आपका सेंटर किस कॉलेज में हुआ है और किस डेट को एग्ज़ाम है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि 24 मार्च को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि आप अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि आपको आईडी पासवर्ड कैसे फॉरगॉट करना है।